सबसे पहले इसमें हम चेक करते हैं, हम करंट मेजर करते हैं, और अगेन किसी भी एनालिसिस का मकसद क्या है कि आप अपने सर्किट के अंदर जितने भी अननोन्स हैं उनको डिटरमिन कर सके। ठीक है जी, सो मेश एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन केसीएल केवीएल सॉरी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल अलजेब्रिक वोल्टेज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो। और लूप क्या है कि आप एक पॉइंट से या एक नोड से स्टार्ट करें और बाकी नोड से होते हुए वापस उसी नोड पर आ जाएं, लेकिन ये ख्याल रखिए कि एक लूप के अंदर एक नोड एक से ज्यादा दफा नहीं आ सकता। ठीक है जी, सो लूप पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं और उसकी बेस पे हम एनालिसिस अपना कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को मैसेज किया गया प्रीवियस इस सेशन के स्टार्ट से पहले कि आप लोग वीडियो लेक्चर जरूर देखें मेश एनालिसिस के हवाले से, होपफुली आप लोगों ने देखे होंगे। सो आज की इस डिस्कशन सेशन में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके मेश एनालिसिस करते हैं और अपने करंट की वैल्यू मेजर करते हैं। सो ये एग्जाम्पल के तौर पर एक सर्किट आपके सामने दिया गया। लेक्चर को बाकायदा तौर पर शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। अटेंडेंस मार्क करने का तरीका आपको पता है कि आप अपना नाम और अपना रोल नंबर लिख के भेजेंगे। विदाउट रोल नंबर हमें नहीं पता चलेगा कि आप कौन हैं और आपके नाम से हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो काइंडली अपने नाम के साथ जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी भेजिएगा। सो एनीवेज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर में देखिएगा आपके हमें एग्जाम्पल आएंगे, बड़ी ट्रिवियल सी और सिंपल सी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमें नजर आ रहा है कि तीन रेजिस्टर्स हैं और दो वोल्टेज सोर्सेज हैं। ठीक है जी, और इनको कंबाइन करके हमने एक सर्किट बनाया है और इस सर्किट में हमने जो है वो हमें कुछ नोड्स नजर आ रहे हैं। एक नोड कौन सा नोड है जो कि यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स आके मिल रहे हैं, जैसा कि हम इसको आपके सामने आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दूसरा नोड कौन सा जो वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर के बीच में है। ठीक है जी, तीसरा नोड कौन सा आपके पास वोल्टेज सोर्स और 10 ओम के रेजिस्टर के बीच में, और एक नोड वो है जहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट 25 वोल्ट और 5 ओम का रेजिस्टर आपके मिल। ठीक है जी, लेकिन हम इस एनालिसिस में नोड एनालिसिस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आए सबसे पहले जो है वो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप अपने सर्किट में आइडेंटिफाई करें मैशेज कौन से, और मैशेज आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले लूप्स आइडेंटिफाई करें। अच्छा, लूप्स क्या, जैसा कि हमने बताया है कि दैट इज पाथ, यानी कि एक रिपीटिंग पाथ है कि आप एक पॉइंट से शुरू करें और वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, लेकिन ये ख्याल रहे कि जिन पॉइंट से आप गुजर के आ रहे हो एक से ज्यादा दफा वहां से आप। ठीक है, तो लूप्स आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नोड्स चाहिए। नोड्स या पॉइंट्स जिनको हम कह रहे हैं वो हमारे पास, हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, एक ए नोड है। ए नोड बेसिकली इसके बीच में 5 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स, 2 ओम के रेजिस्टर। सिमिलरली बी आपके पास नोड है जो कि 2, 10 और 5 ओम के रेजिस्टर्स के बीच में, और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सी एक नोड है जो कि 10 ओम और 25 वोल्ट के 25 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के बीच में, और तीसरा हमारे पास नोड है जो कि 5 ओम 5 वोल्ट 25 वोल्ट के सोर्स के दरमियान मौजूद। ठीक है जी, सो हमने लूप्स आइडेंटिफाई करने, लूप्स जैसा कि हमने बताया कि ऐसा पाथ है जो कि एक पॉइंट से शुरू करें हम, फॉर एग्जांपल हम ए से शुरू करते और उसी पॉइंट फिर हम कहां जाते हैं, बी पर जाते हैं, बी के बाद हम डी पर जाते हैं और डी से वापस ए पर आते हैं, तो ये एक लूप बन जाती है कि हमने जिस पॉइंट से शुरू किया था ए से, हम बी से हुए, डी से होते हुए वापस ए पर पहुंचते हैं। सो दैट इज अ लूप। ठीक है जी, एक क्लोज पाथ है हमारे पास। ठीक है, और इस क्लोज पाथ की प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके अंदर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, सो अब हमें यहाँ पर यह क्लैरिटी मिल जाती है कि लूप क्या है। ठीक है, दूसरी लूप अगर हम देखें तो दूसरी लूप हमारे पास क्या है, दूसरी लूप हम नीचे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी लूप अगर आप देखें, आप बी से शुरू करते हैं, सी पे जाते हैं, सी से वापस डी पर आते हैं और डी से आप दोबारा कहां पहुंच जाते हैं, बी पर पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, सो दैट इज अनदर लूप, क्योंकि आप बी से शुरू हुए थे, सी से होते हुए डी से होते हुए वापस कहां पर पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। ध्यान में रखिए इन दोनों
जो हमने लूप्स देखी हैं इनमें हम एक पॉइंट से एक से ज्यादा दफा नहीं गुजरे. फॉर एग्जांपल हम बी से दो दफा नहीं गुजरे, बी से एक दफा ही गुजरे. ठीक है, एक और लूप है, उस लूप का देखते हैं. उस लूप में हमारे पास क्या है कि ए से शुरू करें, बी पर जाए, बी के बाद हम बजाय डी के जाने के हम कहां जाए, सी पर जाए, सी के बाद हम कहां वापस आए, डी पर, और डी से हम पहुंचे कहां पर, वापस ए पर. तो ये एक और लूप है. ठीक है, सो हमारे पास तीन लूप्स आइडेंटिफाई होते हैं, ए बी डी ए, ए से शुरू करें, बी पर जाए, डी पर आए और वापस ए पर पहुंचे, बी से शुरू करें, डी पे जाए, सी पे जाए, बी पे जाए, वापस बी पर आप आ जाए. ठीक है, और सॉरी ये सी डी बी होगा. ठीक है जी, आप इधर से भी चल सकते हैं, बी डी सी डी. ठीक है जी, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है जी, और आखिरी एक लूप जैसा कि हमने बात की कि वो कहां से शुरू हो रही है, हमारे पास ए से शुरू हो रही, बी पे जाते हैं, सी पे जाते हैं, डी पे जाते हैं, डी से वापस होते हुए हम कहां पहुंचते हैं, ए पर पहुंचते हैं. सो दैट इज अनदर लूप. सो लूप्स तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए. अब इन लूप्स में से मैश कौन सी, सो मैश ऐसी लूप होती है जिसके अंदर कोई और लूप ना हो. ठीक है, जिसके अंदर कोई और लूप ना हो. फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हम इसको कहेंगे डिस्कार्ड. अब दूसरा स्टेप जो है आइडेंटिफाई मैश करने के लिए, दूसरा स्टेप क्या है, डिस्कार्ड लूप्स कंटेनिंग अदर लूप्स. कि ऐसी लूप्स जो है उनको हम डिस्कार्ड कर दें. ठीक है जी, जो कि अपने अंदर कोई ना कोई लूप रखती है. ठीक, हमने मैश, लूप, नोड, ठीक है जी, ब्रांच, इनके कॉन्सेप्ट जो है वो एक वीडियो में बड़ा डिटेल से डिस्क्राइब किए. आप वो वीडियो देखिए जिसमें हमने बेसिक कंपोनेंट के एनालिसिस के बारे में बात की है, और वहां से आपको ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिलेगी. एनीवेज, सो अब इसमें कौन सी ऐसी लूप है जिसमें हमारे पास और लूप्स आ रहे हैं. सो हम ए बी डी ए को देखते हैं, ए बी डी ए, इसके अंदर और कोई लूप नहीं आ रही, यही लूप है. सो इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते. दूसरी लूप कौन सी है, बी डी सी बी, इसके अंदर भी कोई और लूप नहीं आ रही. अच्छा जी, अब तीसरी जो चीज है, तीसरी लूप है ए बी सी डी ए. अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास ए बी डी ए लूप भी आ रही है, बी डी सी बी लूप भी आ रही. तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी लूप है जिसके अंदर और लूप्स भी आ रही है. तो इसको हमने डिस्कार्ड कर देना अपने एनालिसिस. इस पर हमने केसीएल, सॉरी केवीएल नहीं अप्लाई करना. ठीक है, सो इसको डिस्कार्ड कर दिया, इसको हमने मैश नहीं कहा. सो मैश एक ऐसी लूप है जिसके अंदर कोई और लूप ना. ठीक है, सो मैश हमने आइडेंटिफाई कर ली. तो पहला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमने मैशेज आइडेंटिफाई कर ली. और वो मैशेज कौन कौन सी हैं, ए बी डी ए और बी डी सी बी, और हमने डिस्कार्ड कर दिया तीसरी लूप जो कि ए बी सी डी ए के नाम से. ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम करंट के सर्कुलेटिंग पाथ डिफाइन करें कि करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है. अब यहाँ पे अगेन आपकी उसने नजर और आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या चूज करते हैं. आप करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं, आप करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं, आप एक तरफ करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं, मिक्स कर सकते हैं, पहली तरफ एंटी क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं. अगेन ये सारी की सारी आपकी चॉइस है. ठीक है, लेकिन इस चॉइस के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है. आपको कंसिस्टेंट किस तरह से रहना है, आपको ये मस्ट आपने ये कर ले रहा है कि करंट जो है आप लेट से अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले, लीविंग को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आप एंट्रिंग को नेगेटिव लेंगे, या उल्टा भी कर सकते हैं, आप लीविंग को नेगेटिव ले रहे हैं और एंट्रिंग को पॉजिटिव ले रहे हैं, आपकी मर्जी है. जस्ट लाइक नोड एनालिसिस, जहां पर आप करंट अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि उनकी डायरेक्शन क्या है, यहां पर भी आप अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन डिस्क्राइब कर सकते हैं. हमने करंट की एक डायरेक्शन असूम, हमने असूम किया कि करंट जो है वो एक्चुअली इस लूप के अंदर क्लॉकवाइज चल रहा है. आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. ठीक है, अगेन ये चॉइस की बात है. मुझे ये आसान लगा भी, ठीक है, हो सकता है कल को दूसरा आसान लगे. ठीक, सो मैंने अभी इसके साथ इसको सॉल्व किया. तो आपको हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा सूट कर रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, एक में क्लॉकवाइज रखते हैं दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस. आपका सोल्यूशन आपको बताएगा कि आपने डायरेक्शन सही असूम की थी या आप डायरेक्शन गलत असूम की. ठीक है, सो हमने करंट की कुछ डायरेक्शंस असूम कर ली अपनी तरफ से. अगेन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं बार बार आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले हमें मैसेज करेंगे और मैसेज में आप क्वेश्चन जो है वो रेज करेंगे, या आप है क्या कर सकते हैं, हैंड रेज करके भी अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा सकते हैं. ठीक है जी, सो
यहाँ तक हम काफी मेरे ख्याल से हमने बात कर ली, सो आगे चलते हैं हम लोग। सो अब हमने करंट की डायरेक्शन जो है ना वो असूम कर ली कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब करंट की डायरेक्शन असूम कर ली उसके बाद स्टेप के उसके बाद बड़ा ही आसान स्टेप है और उस स्टेप को आप जानते हैं, दैट इज अप्लाई केवीएल ऑन ईच मेश। हर मेश पर आप क्या करें, केवीएल अप्लाई करें। केवीएल क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इनसाइड अ लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। तो आए हम केवीएल अप्लाई करें। सो हमें यह पता है कि करंट जो है, मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा करना चाहूंगा ताकि हमें बेहतर इसकी विजिबिलिटी आए। करंट जो है अगर वो वोल्टेज टर्मिनल के, सबसे पहले हम मेश वन के जो है उसके ऊपर केवीएल अप्लाई करते हैं और हमें ये पता है करंट अगर वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपके पास वो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है और उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा, ठीक है जी। सो हमने क्या लिखा, माइनस फाइव, ठीक है जी। अगेन ये भी अजम्पशन है, आप इसको नेगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो रेजिस्टर के क्रॉस करंट को भी नेगेटिव लें। अगेन आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरीके से इसको देखें, ठीक है जी। आप जो सप्लाई है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, आप ड्रॉप को नेगेटिव ले रहे हैं, या आप ड्रॉप को पॉजिटिव ले रहे हैं और सप्लाई को नेगेटिव ले रहे हैं, या आपकी चॉइस है। अगेन हम बार बार इसी चीज पर, आपका सोल्यूशन आपको बताएगा कि आपकी अजम्पशन ठीक थी या नहीं थी, ठीक है। सो माइनस फाइव, अच्छा जी। सो माइनस फाइव, पहला हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो माइनस फाइव का, माइनस फाइव के ड्रॉप का मतलब क्या, बेसिकली आप फाइव वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। दूसरा ड्रॉप क्या है, बिल्कुल सिंपल। अब इस रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होता है, इस रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप क्या होगा, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगा रहे हैं, ओम्स लॉ क्या है, बेसिकली वी इज इक्वल टू आई आर, आई आपको पता है इसके थ्रू आई वन है और आर इसके इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू जो है वो टू है। सो इधर आपके पास क्या वोल्टेज ड्रॉप आता है, दैट इज टू आई वन, अच्छा जी। अब जो ट्रिकियर पार्ट आता है, ये 5 ओम का रेजिस्टर भी इसी लूप में, इसमें करंट क्या होगा, ठीक है जी। इसमें अगर आप देखें तो एक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंटर हो रहा है, ठीक है जी, और दूसरा करंट जो है वो कौन सा है, ये आई टू वाला, वो इसमें से लीव कर रहा है, ठीक है जी। सो ब्रांच के अलावा जो करंट होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि ये दो अपोजिंग करंट है। आपको ये समझ आ रही बात कि यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, करंट एक एंटर हो रहा है और एक लीव कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिंग है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरे तरीके से देखूं तो ये ड्रॉ होके आपके पास किस तरह से आ रही है, इस तरह से सर्कल बना के यहां तक जा रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक। सो यहाँ पर करंट बेसिकली क्या होगा, इस करंट और इस करंट का डिफरेंस, यानी कि आई वन माइनस आई टू करंट जो है वो 5 ओम के रेजिस्टर से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। So that is why हम यहाँ पर current drop, voltage drop जो है वो cross 5 ohm resistor क्या लिखते हैं, that is 5i1 minus i2, ठीक है जी। यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम दूसरी मैश की इक्वेजन की तरफ जाते हैं। दूसरी मैश की इक्वेजन जरा देखिएगा, दूसरी मैश की इक्वेजन में आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास 5 ohm का resistor है। अब 5 ohm का resistor ये, इसमें एक करंट i2 एंटर हो रहा है और इस, अब ये दूसरी लूप है, ज़हन में रखिएगा, इस लूप में हमारा मेजर जो लीडिंग करंट होगा वो I2 होगा, ठीक है। तो हम असूम ये करेंगे कि I2 ड्राइव कर रहा है सारी चीजों, I2 जो है वो हमारी अजम्पशन है कि वो, जब हम इस लूप का एनालिसिस कर रहे हैं, वो मेजर कंट्रोलिंग करंट है इस लूप का, ठीक है। सो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 ओम के रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप क्या होगा कि I2 करंट एंटर हो रहा है और I1 करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, ठीक है, इस लूप में, ठीक है। प्रीवियस लूप में क्या हो रहा था, हमारा मेजर करंट क्या था, I1 था, और इस लूप में हमारा मेजर करंट था I2। सो दैट इज व्हाई ये करंट पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि एक तरफ हम कह रहे हैं 5 I1 माइनस I2 और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं 5 I2 माइनस I1, ठीक है जी। सो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम मेजर करंट I2 को असूम कर रहे हैं तो अब यहाँ पे ड्रॉप आएगा 5 I2 माइनस I1, ठीक है, 5 I2 माइनस I1 यहाँ पर आपके पास ड्रॉप आ जाएगा। और दूसरा आप देखते हैं, हम दूसरा यहाँ पर क्या है कंपोनेंट, दैट इज 10 ओम रेजिस्टर, 10 ओम के रेजिस्टर के बीच में से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2 का करंट फ्लो कर रहा है। सो I2 इनटू 10 V इज इक्वल टू IR से आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा,
5i2 - i1 + 10i2, और आखिरी चीज वोल्टेज सोर्स। इस दफा गौर कीजिएगा कि वोल्टेज सोर्स में करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी अजम्पशन है, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारी अजम्पशन है कि आई टू जो है यानी कि वोल्टेज सोर्स 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स करंट क्या कर रहा है, ड्रॉप। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 25 वोल्ट ड्रॉप हो रही है। सो अब हमने दो इक्वेशंस लिखनी है और दो ही वेरिएबल्स है आई वन और आई टू, इनको हमने डिटर्मिन करना है। सो बड़ा आसान है, हम कहाँ पे जाएंगे, वॉल फ्रेम में। और वॉल फ्रेम में पहले मैं सिंप्लीफाई कर दूं, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप पहली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, -5 + 2i1 + 5i1 - 7i1 - 5i2, ऐसा ही लिखा है 7i1 - 5i2 - 5, बिल्कुल वही चीज हमने लिखी है। दूसरी इक्वेशन को देखेंगे तो उसमें क्या है आपके पास, -5i1 + 15i2 + 25, ठीक है, हमने वही लिखा है। ये दो इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, ठीक है जी। और इन दो इक्वेशन को अब हम किसमें पुट करेंगे, हम अपने वॉल फ्रेम अल्फा के एडिटर में पुट करेंगे, और हमने एडिटर में इनकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास करंट की वैल्यूज जरा देखी है, करंट की वैल्यूज क्या आई है। हमने आई वन को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, आई टू को वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है जी। तो एक्स की वैल्यू, आई वन की वैल्यू क्या आ गई, -0.065, और दूसरा हमारे पास क्या है आई टू, आई टू की वैल्यू क्या आई, -1.875। सो हमें पता चला जो करंट डायरेक्शंस हमने ली थी वो ठीक नहीं थी, वो हमने गलत असूम की थी, जिसकी वजह से हमारे पास आई वन भी नेगेटिव आ गया, आई टू भी नेगेटिव आ गया। अब एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस से हमें क्या चीज समझ आ रही है, एनालिसिस ये समझ चीज आ रही है कि आई टू की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज है, आई वन की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, वो कौन सी आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब जरा देखें, हमने क्या कहा था कि करंट 25 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स में एंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, लिहाजा ये ड्रॉप कर रहा है, हमारी अजम्पशन थी। जबकि अब करंट क्या कर रहा है, इसमें से लीव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 25 वोल्ट वाली बैटरी जो है या आपके पास सोर्स है वो पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। जबकि ऑपोजिट केस में जब हम 5i वाले में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि करंट जो है वो, पहले हमने पहले अजम्पशन क्या ली थी कि नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, जबकि क्या था कि करंट कहां से एंटर हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 वोल्ट वाला जो है वो इस टाइम वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, जिसको अगर हम बैटरी की टर्म्स में लें, एक तरफ हाई पावर सोर्स वाली बैटरी है और दूसरी तरफ लो वोल्टेज वाली बैटरी है या लो पावर सोर्स वाली बैटरी है, तो यूं होगा कि हाई वोल्टेज वाली लो वोल्टेज वाली को चार्ज कर रही होगी, ये नहीं होगा कि लो वोल्टेज वाली हाई वोल्टेज को चार्ज कर रही होगी या उसको पावर सप्लाई दे रही होगी, और जो कि ऐसा हमारे पास हो रहा है यहाँ पे कि 25 वोल्ट वाली एक्चुअली चार्ज कर रही है 5 वोल्ट वाली बैटरी, ठीक है। सो दैट इज द एनालिसिस जो कि हमें इससे समझ आता है, और ये एनालिसिस मेक सेंस, ठीक है जी। सो यहाँ तक हम जो है वो एग्जाम्पल वन कर चुके हैं, और एग्जाम्पल वन से हमें काफी क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है जी। मैं अब आप लोगों के माइक ऑन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछें, ठीक है जी। क्वेश्चंस पूछने का तरीका अगेन बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आपने डिसेंसी में रहते हुए क्वेश्चन पूछना, और जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए, ठीक है जी। सो जी फैजान सर, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर KCL यूज करना, कहाँ पर KVL? सर आपकी चॉइस है, या आप नोड वोल्टेज से भी कर सकते थे, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। पूछने जा रहे हैं कि यहाँ पे KCL यहाँ पे मैश एनालिसिस क्यों लगा, यहाँ तो आपके पास नोड एनालिसिस लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। मकसद क्या है, मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे करंट की वैल्यूज मेजर करें, आपकी मर्जी, आपको जो सा एनालिसिस आसान लगता है उससे करें, अनलेस अनटिल स्पेसिफाई ना हो कि किसी क्वेश्चन में मैं लिख के दे दूं आपसे कि इसको मैश एनालिसिस से, ठीक है जी। और किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आप क्या करें, नोडल एनालिसिस से करें। अच्छा, एक और भी चीज है, एक जो सर्किट प्लेनर है, ठीक है जी, जो बिल्कुल सीधे सीधे सर्किट है, जैसे कि ये सर्किट है, ठीक है ना, इन पर तो आप मैश एनालिसिस आसानी से अप्लाई कर लेंगे। अब जैसे सर्किट मैं आपको एग्जाम में देता हूँ, टेढ़े मेढ़े से देखा ही होगा आपने, रेजिस्टर वाला सॉल्व किया होगा, अब उनके ऊपर आप मैश एनालिसिस अगर लगाएंगे तो अलमान अल हफीज, हो सकता है आपको अगले साल ही दोबारा से कोर्स करना, ठीक है जी। सो मैं एक बात पर्सनल प्रेफरेंस अगर मुझे
अच्छा पूछते हैं, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या, तो मैं नोड वोल्टेज एनालिसिस को ज्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू मैश एनालिसिस, लेकिन मैश एनालिसिस भी एक अच्छा एनालिसिस है और उसके थ्रू भी आप करंट अपने सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन ध्यान में रखिएगा एज बीइंग इंजीनियर आपका सिर्फ एक ही मकसद है, मकसद क्या है कि सर्किट के अननोन पैरामीटर्स को डिटरमिन करना और सर्किट के बारे में कमेंट करना है। जैसा कि हमने लास्ट में कमेंट्री की है, कमेंट्री क्या की हमने कि हो ये रहा है कि 25 वोल्ट वाली बैटरी जो है वो 5 वोल्ट वाली बैटरी को चार्ज कर ली, ठीक है जी। तो ये कमेंट्री कैसे की, हम ऐसे तो नहीं कर सकते थे, हम पहले असम्पशन कर लेते अच्छा ऐसा हो जाता है और होना हो, ये एनालिसिस हम कहां कब इस एनालिसिस पहुंचे, जब हमने सारी पैरामीटर्स की वैल्यू डिटरमिन कर ली, हमने करंट की वैल्यू डिटरमिन कर ली, हमने वोल्टेज ड्रॉप्स देख लिए, करंट की डायरेक्शंस देख ली। सो इन द एंड मकसद क्या है कि आप अपने सर्किट को एनालाइज कर सकें और उसके बारे में कमेंट्री कर सकें, ठीक है जी। जी फैजान, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? जी सर। सर एक और भी थोड़ा सा क्वेश्चन था, ये आप जितने भी वैल्यूज निकालते हैं उसी से निकालते हैं उसी ऐप से? मैं तो वॉलफ्रेम से निकालता हूं, आप लोग पेपर में सॉल्व करेंगे, मैं निकम्मा हूं मैथ में। नहीं सर, वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ वैल्यूज ना यानी कि जो आंसर नहीं वो निकाले। आंसर सॉरी, अच्छा बाय हैंड सॉल्व किए वो, जहां मुझे जिस तरह से इजी लगा मैं उस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। सो डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन एग्जाम में आपको अगर ये दो वाला आता तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। फुरकान जी, जैसे हम कहते हैं कि मैश एनालिसिस को हम केवीएल अप्लाई करते हैं, तो जी जी KVL की डेफिनेशन देखें तो लूप भी इसको ओबे करता है, तो हम लूप पे क्यों नहीं अप्लाई करते, ओबे तो वो भी करता है। ओ, लूप भी ओबे करता है, लेकिन आपका एनालिसिस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप मुझे ए बी सी डी ए वाली लूप का एनालिसिस करके दिखाएं, वहां करंट्स क्या होंगे, एक तरफ करंट I1 है, पॉइंट समझे, एक तरफ मैच, एक तरफ I1 जी जी जी। फुरकान दोबारा से क्वेश्चन पूछिए। हम जो लूप केवीएल की डेफिनेशन है लूप की जगह में मैश लिख दें तो वो ज्यादा बेहतर? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए केवीएल लॉ है, लॉ का मतलब क्या है कि ये होगा ही होगा। आप ए बी सी डी ए लूप में देखेंगे तो वोल्टेज का सम जीरो होगा ही होगा, पॉइंट समझ रहे हैं आप। सो ये अगर आप देखें ना कोई भी सर्किट बनता है तो सर्किट में वोल्टेज का सम भी जीरो होता है। और सर जी एक मैश में जो करंट सेम होता है जैसे सीरीज में होता है वही? हाँ जी बिल्कुल, देखे अगेन सीरीज ही है ना ये 5 वोल्ट 2 ओम का रेजिस्टर क्या सीरीज में, और एक मैश एक ही पाथ फाइंड करेंगे वो करंट का, एक ही पाथ आप रखेंगे, आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब एक दफा डिफाइन कर लिया फिर उसको सॉल्व करके नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है जी। जी अली, ठीक है जी अली आपका क्वेश्चन। जी वलीद आपका क्वेश्चन, अली की आवाज नहीं हमें आ रही। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जो हमें पावर डिसिपेट और पावर सप्लाई का बताया कि नेगेटिव से इंटर हुआ तो वो पावर सप्लाई जो है उसमें नेगेटिव आएगा, लेकिन सर ये हम अज्यूम कर रहे हैं ये मस्टी है ये रूल है? नहीं देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव से एंटर हो रहा है तो उसको आप कहते हैं कि वो उसका मतलब हम ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप ऑपोजिट को जो कि पॉजिटिव सेंटर हो रहा है उसको क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है सप्लाई हो रही, ठीक। आप बेसिकली सप्लाई और ड्रॉप को देखते हैं, ठीक है, कि आप ड्रॉप को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो सप्लाई को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, और अगर आप सप्लाई को पॉजिटिव लेते हैं तो ड्रॉप को क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। सो अगर मैं कहता हूँ कि माइनस 5 वोल्ट का मतलब ये ड्रॉप है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि आप जो 25 वोल्ट का मतलब क्या होगा आपके पास सप्लाई, ठीक है जी। और फिर आपके पास क्या होगा यहाँ पे अगर आप ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं और सप्लाई को नेगेटिव लेते हैं, ठीक, तो आपके पास एनालिसिस आप उस तरीके से करेंगे, अगर आपके पास ऑपोजिट आप रखेंगे तो आप एनालिसिस आपके साइन चेंज होंगे और कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहें, आप कंसिस्टेंट रहें, बहुत सारी चॉइसिस जो है ना वो भी कई क्या होता है आपको काफी इशू कर देते हैं, आप एक चीज को कंसिस्टेंट कर लें कि नेगेटिव का मतलब सप्लाई और पॉजिटिव का मतलब क्या आपके पास ड्रॉप है, ठीक है, क्योंकि आपके सर्किट से नॉर्मली होता है क्या रेजिस्टर्स ज्यादा होते हैं और रेजिस्टर्स के क्रॉस ड्रॉप ज्यादा होता है, और अगर आप ड्रॉप को नेगेटिव लिखना शुरू कर दें तो बहुत सारे नेगेटिव नेगेटिव्स आपके पास कॉम्प्लेक्स रहते हैं, ठीक है जी। सादिया का क्वेश्चन है। जी सादिया सर, मैंने अभी मतलब जो एनालिसिस किया उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में आया दोनों का,
सेशंस का, तो अगर एग्जाम सॉरी आवाज आ रही है, हेलो जी जी आप बताइएगा। तो मैं कह रही हूँ आपने अभी मतलब एनालिसिस किया है, तो आंसर दोनों का जो हमारे पास है वो नेगेटिव में आया है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अगर एग्जाम में आप देते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का के एनालिसिस करें और आंसर निकालना है, तो अगर हमारे पास नेगेटिव में आता है तो क्या पॉजिटिव लाने के लिए या फिर आप कंसीडर करोगे? देखें आप करंट की डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मीन एनीथिंग अनलेस अंटिल आप करंट की डायरेक्शन बताते हैं। आपने करंट की एक डायरेक्शन अस्यूम की, नेगेटिव आंसर आया और करंट, इसका मतलब क्या है कि आपने एनालिसिस सही कर लिया। और नेगेटिव आंसर का मतलब कि करंट की डायरेक्शन एक्चुअली क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो आपके एनालिसिस से मुझे अगर नजर आएगा तो आपको मार्क्स दे दूंगा। लेकिन अगर आप इसी तरह का क्वेश्चन करते हो इसमें पॉजिटिव आपका आंसर आ जाता है, यानी कि यही डायरेक्शन रख के आपका आंसर पॉजिटिव आया, तो दैट मीन्स कि आपका आंसर गलत, आपने एनालिसिस में गलती की। ठीक है, सो मेरे लिए नेगेटिव वन और प्लस वन दो डिफरेंट आंसर, दे आर नॉट द सेम। ठीक है जी, मैं आपको वन की गलती माफ कर सकता हूँ, टू की गलती माफ, वन टू थ्री की गलती माफ कर सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव वन और प्लस वन की गलती माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उससे एनालिसिस ही चेंज हो जाता है, आपकी अजम्पशन गलत हो जाती है, आपका सर्किट ही गलत सॉल्व हो। जी, और किसका क्वेश्चन है? अली का क्वेश्चन था, फुरकान अमजद का क्वेश्चन है। जी पूछिएगा जी। अभी सर आवाज आ रही मेरी? अली पहले फुरकान को क्वेश्चन करें। चलें ठीक है सर। जी जी बताइए। तो हमें आई थ्री डिफाइन करना होगा। आई थ्री कहाँ जरूरत है? आई थ्री कहीं पे सर? वैसे अगर आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री इस तरह के तो कहाँ पर आ रहा है? आई थ्री आई टू कहाँ पे आ रहा है? दो ही करंट आ रहे हैं आपके पास और किसके बात है, लेकिन अगर एनालिसिस यू हैव टू बी, मैं वही बता रहा हूँ, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आपको कितनी चीजें चाहिए। 10 वेरिएबल्स बना लें आप, आप नोड्स और बना, नोड्स वैसे बनेंगे नहीं, और नोड्स देखें आप लूप्स देखें, यही एनालिसिस। ठीक है, आप आई थ्री एक लेंगे उसकी जरूरत क्या पड़ेगी? हर करंट जो है वो एक लूप से एसोसिएट है, ये तो आपको समझ आ रही है ना? ठीक है, या हम इसको कह रहे हैं कि मैश एसोसिएट, आप तीसरा लूप ले आते हैं तो वो आपके पास फर्क क्या होगा कि वो करंट बेसिकली आई वन प्लस आई टू होगा, कुछ और ही एनालिसिस आपके पास आ गया। ठीक है जी, जी अली, जी अली सर, अगर हमारे पास इसमें सुपर नोड आ जाए और सर सुपर नोड में हमारे पास गिवन और करंट आई थ्री,